कहते हैं सत्ता के साथ साथ अगर अंगूर की बेटी का नशा हो जाए तो इंसान तीसरे आसमान पर होता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 11 में, जहां से भाजपा पार्षद हैं शकुंतला देवी, जिनके पुत्र दीपक सोलंकी द्वारा नशे में चूर होकर मंगलवार की शाम को कोचिंग से लौट रहे मासूम छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना कदम बिहार कॉलोनी के रांची रोड स्थित बाटी वालों की टाल के पास की बताई जा रही है, जहां भाजपा पार्षद के बेटे दीपक सोलंकी ने अंगूर की बेटी के नशे में चूर होकर 12वीं कक्षा के छात्र भानुपुत्र गोविंद सिंह निवासी बाग गांव पर अपने साथियों सहित लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बाग चौकी प्रभारी ललिता कसाना पहुंच गए और मारपीट में घायल हुए लड़के से तहरीर लेकर मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित भानु के पिता ने बताया कि नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से भाजपा पार्षद शकुंतला देवी का पुत्र दीपक सोलंकी सत्ता व अंगूर की बेटी के नशे में चूर रहता है, जिसने मंगलवार की शाम कोचिंग से लौट रहे छात्र पर जानलेवा हमला किया है। पीड़ित के पिता ने बताया कि पार्षद का बेटा दीपक सोलंकी पूर्व में भी ऐसी हरकतों के चलते जेल काट चुका है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को विकास के लिए चुनती है, वही लोग उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। रिफाइनरी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा से वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए दिनेश सिंह परकर की खास रिपोर्ट। क्या मामला? हमारे बच्चे पढ़ के आ रहे थे, कोचिंग से आ रहे थे, कोचिंग आते में रास्ते पर गली पे खड़े हुए, बस दारू नशे उन्होंने पकड़ लिया, मारपीट करी। वहाँ के लोगों ने बीच बचाव करके बच्चों को छुड़ाया भी है। वहाँ से फिर भी बच्चे चले आए तो हमको पता पड़ी, भाई बहुत हम गए, हमने पूछी कहा बात है, कैसे ले रहे हो, तो हमारे बीच मारपीट करने लग गए। फिर हम वहाँ से वहाँ से रुपये करके लौटे आए, फिर हमारे घर पर आगे चढ़ाई कर दी है। यानी पुलिस को सूचना आप दे दी है? हाँ, सूचना हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस 100 नंबर वाले 112 नंबर को करी थी, वो भी पहुँचे हमारे घर पर, उन्होंने देखा है और फिर हमारे घर पर 30-35 आदमी आए, लोटी डंडा बंदूक बच्चा सब दी। और वो यानी कि और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, वहाँ पे भी मारा उन्होंने आगे गली में, बच्चा एक लोग मारने की धमकी दी है। कौन आरोपी युवक कौन बताया जा रहा है? पार्षद 11 नंबर पार्षद बाद शकुंतला देवी का लड़का दीपक, शकुंतला देवी का लड़का था दीपक और दीपक का भाई दोनों देवी। गाड़ी भी आई थी उनकी UP 85 EAE 00 23 नंबर पार्सल लिखा था उस गाड़ी में सफ़ेद कलर की I-20। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज, मैं दिनेश सिंह तरकर। कहते हैं सत्ता का नशा जब होता है तो सर चढ़ के बोलता है, और जब बात अंगूर के बेटी की नशे की हो तो बात ही कुछ और होती है। आज स्कूली छात्रों पर कदम बिहार के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 की पार्षद शकुंतला देवी के लड़के दीपक द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आज हमारे साथ है पीड़ित के पिता गोविंद सिंह जी। क्या मामला है? स्कूली छात्रों पर जानलेवा हमला किया गया है। मेरा बेटा कोचिंग जा रहा था और रास्ते में घेर के लाठी और डंडों से बुरी तरह घायल कर दिया है। इसके सर में बहुत गहरी चोट दी है। मैं अभी थाने में यहाँ आया हूँ और रिपोर्ट लिखा के मेडिकल कराने जा रहा हूँ इसका। मेरा बेटा बहुत परेशान है, बहुत उसके गहरी चोट है और उसे बहुत नशा है। वो पहले भी यहाँ गुंडा में भी कई मामले हो चुके हैं, कई मामले ऐसे हो चुके हैं उसके। अभी सदर थाने में झगड़ा हुआ है, सदर से अभी जेल से छूट के आया है। वो बिल्कुल BJP के नशा में बहुत चूर हो रहा है, बिल्कुल चूर हो रहा है, बहुत सत्ता का बहुत नशा है। हमारे एक बहुत बड़े गांव का पार्षद है, इसलिए उसे बहुत बड़ा नशा है, वो रुक नहीं रहा है किसी बात। कहती हैं कि जब नशा होता है और पार्टी का प्लस सत्ता का, इसके अलावा अंगूर की बेटी का नशा है, तो यही देखने वाली बात होती है। आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है कि वो सामाजिक मुद्दों से उनकी समस्याओं को निजात दिला सके, वहीं जब उनकी समस्याओं के प्रति ही कोई जागरूक नहीं होता और उन पर जानलेवा हमले तक किए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।